सो दोस्तों, ये रही सुजुकी की जिक्सर SF250 जो कि मोटो जीपी एडिशन है। अगर आप देख रहे हो एक बजट फ्रेंडली फुल फेयरिंग बाइक 250 cc की, सो ये बाइक आपके लिए बनी है। ये आपको कम प्राइस में मिलने वाली, अगर आप कंपेयर करते हो मार्केट में जो बाइकें हैं 250 cc की, बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगी। आज हम इस बाइक के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं और इसमें आपको बहुत अच्छे फीचर्स भी साथ में मिल जाते हैं। सब कुछ आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस बाइक की प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको पड़ने वाली है 1,87,770 रुपये और आपको ऑन रोड ये पड़ जाएगी 2,24,000। उसमें भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है, कुछ 9,000 के आसपास। अगर आप शोरूम पे विजिट करोगे तो आपको सारा डिटेल पता चल जाएगा। इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ये जो मैंने ऑन रोड प्राइस बताई है 2,24,000, उसमें आपको 8,000 से 9,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। सारी डिटेल आपको शोरूम पे कॉल करने पे या फिर आपको विजिट करने पे पता चलने वाली है। और इसमें आपको एक नॉर्मल वाला मिलता है, उसकी प्राइस इससे 1,000 आप कम कर दो, जैसे मैंने 2,24,000 बताया, तो 2,23,000 उसकी प्राइस रहेगी ऑन रोड, और उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 8,000 से 9,000 के आसपास। सो अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में। और ये जो मैंने प्राइस बताई है, इसमें आपको एसेसरीज भी साथ में मिलने वाला, हेलमेट, पार्किंग कवर, सीट कवर और जो भी जेन्युइन एसेसरीज रहेगी, सब कुछ आपको साथ में मिल जाएगी। सो अभी हम आते हैं बाइक के ऊपर और इसके स्पेक्स जान लेते हैं। ये बाइक सामने से कुछ ऐसे दिखने वाली। हेडलाइट की बात करें तो आपको LED मिल जाएगी जो कि बहुत ही प्यारी सी दिखती है ऑन होने के बाद। इंडिकेटर की बात करें तो आपको बल्ब मिलने वाले हैं। और रियर वाले सेक्शन की बात करें तो टेल साइड आपको LED टेल लैम्प मिल जाएगा। और अभी हम हेडलाइट को ऑन करके सबसे पहले हम देख लेते हैं। इस बाइक की हेडलाइट ऑन करने के लिए आपको इंजन ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हेडलाइट हमने ऑन कर दिया है। ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी। और अभी मैं हाई बीम ऑन करके दिखा देता हूँ। ये रही हाई बीम पे ऐसे कुछ दिखने वाली, बहुत ही ब्राइट रोशनी आपको मिलने वाली है जब आप रात के समय राइड करोगे तब। और इंडिकेटर भी हम ऑन कर लेते हैं। सो ये रहा इंडिकेटर, ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। और अभी हम चलते हैं रियर में और इसके टेल लैम्प की बात कर लेते हैं। ये टेल लैम्प कुछ ऐसे दिखने वाली, आपको LED टेल लैम्प मिल जाएंगे जो कि बहुत ही प्यारी दिख रही है। ये रहा रियर का इंडिकेटर, रियर से ये कुछ ऐसे आपको भी मिल जाएगा। और अभी हम चलते हैं फ्रंट में और इस बाइक को सबसे पहले हम ऑफ कर लेते हैं और फ्रंट में चल के इसके फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। फ्रंट से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाले, बहुत ही स्पोर्टी टच के साथ में आती है, साथ में काफ़ी सारे स्टिकर वर्क एंड कलरफुल डिज़ाइन के साथ में आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको येलो कलर का मिल जाएगा, ये सिल्वर कलर का जो कि बहुत आई कैची लग रहा है। यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लगेगा एंड छोटी सी आपको विंडशील्ड मिल जाएगी, विंड प्रोटेक्शन से आपको बचाव करेगी। फ्रंट से ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली, बहुत ही स्पोर्टी टच के साथ में आती है, साथ में आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टिकर वर्क देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मोटो GP एडिशन। और यहाँ पे आपको ये येलो कलर का, सिल्वर कलर का जो कि बहुत ही आई कैची लग रहा है। और यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लगेगा और आपको एक छोटी सी विंडशील्ड मिल जाएगी जो कि आपको विंड प्रोटेक्शन से बचाएगी। और आपको टू स्टेप्स फोल्डेबल मिरर मिल जाते हैं, यहाँ से भी आप फोल्ड कर सकते हो और यहाँ से भी आप फोल्ड कर सकते हो। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। और अभी मैं आपको राइट साइड से भी दिखा देता हूँ, ये राइट साइड से कुछ ऐसे दिखने वाली है। और इस बाइक के मडगार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी और काफ़ी सारे कप से सेप देखने को मिल जाएंगे अंदर की तरफ जो कि काफ़ी स्पोर्टी फील दे रहे हैं। और अभी हम इसके सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे और रियर का पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। रियर का वो रहा जो कि आप देख रहे हो, रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलने वाला जो कि एक अच्छा सस्पेंशन होता है। और अभी हम फ्रंट में चलते हैं, इसके टायर की बात कर लेते हैं। आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। ब्रांड की बात करें तो आपको MRR ब्रांड का टायर मिलने वाला है। और अगर हम साइज की बात करें तो फ्रंट में आपको मिल जाएगा 110/70, वो भी आपको रेडियल टायर मिलने वाला है जो कि एक अच्छी बात है। रेडियल टायर होता क्या है, इसे फायदा क्या होता है, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। रेडियल टायर बीच में हार्ड होता है एंड साइड साइड सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने की वजह से हम बाइक को थोड़ा तिरछा होकर कॉर्निंग पे चलाते हैं तो सड़क को एकदम पकड़ के रखता है और हमारी बाइक स्लिप नहीं होती, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस बाइक के लिए। इसमें आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में रेडियल टायर मिल जाते हैं। और रियर का अभी हम टायर पहले देख लेते हैं। रियर में आपको काफ़ी ज़्यादा वाइडर टायर साइज मिल जाएगा जो कि आप देख रहे हो। अगर रियर का टायर थोड़ा वाइड होता है तो बाइक का लुक दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है और बाइक स्टेबल होकर चलती है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है बाइक से। रियर टायर साइज की बात करें तो आपको मिल जाएगा 150/60 जो कि काफ़ी वाइडर टायर साइज है। और व्हील की बात करें तो आपको अलॉय व्हील मिल जाएगी जो कि डायमंड कट में मिलने वाली है। आपको सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा जो भी देखने में बहुत प्यारा एंड बहुत आई कैची लग रहा है। और व्हील के ऊपर
आप देखो आपको स्टिकर देखने को मिल जाएंगे येलो कलर के, जो कि इसके ग्राफिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से मैच कर रहा है, आप देख सकते हो। और अभी हम बात कर लेते हैं इसके ब्रेक की। आपको डुअल डिस्क मिलने वाले हैं जो कि वेंटिलेटेड डिस्क रहने वाले हैं, और साथ में आपको मिल जाएगा डुअल चैनल ABS, जो कि आज के टाइम पर हर बाइक में होना ही चाहिए। और यहाँ पर आपको बाइब्रेक के ब्रेक कैलिपर मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छा ब्रेक कैलिपर होता है। और ये रहा इसका इंजन काउल, जो कि बहुत ही स्पोर्टी टच के साथ में आते हैं। यहाँ पर आपको सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और अंदर ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, यहाँ पे अंदर की तरफ हॉर्न आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्टिकर वर्क देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल आपको स्टिकर मिल जाएंगे। सुजुकी की ब्रांडिंग आपको बड़ी सी लिखी हुई मिल जाएगी, नीचे लिखा गया है 250। एंड ये रहे इंडिकेटर, यहाँ पे आपको जिक्सर एसएफ की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और ये रहा है इसका इंजन। अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। इसमें आपको इंजन मिल जाएगा 249 cc का, जिसकी पावर आपको मिलने वाला है 26.5 PS एट 9300 RPM। और आपको टॉर्क मिल जाएगी 22.2 Nm एट 7300 RPM। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर, फोर स्टॉक FI, ऑयल कूल, आपको कूलिंग सिस्टम अच्छा मिलने वाला, ऑयल कूल मिल जाता है। साथ में आपको मिल जाएगा 6-speed गेयरबॉक्स। और ये रहा आपका राइडर फुटरेस, ये रहा आपका ब्रेक पैड जो कि मेटल वर्क के साथ में आता है, ये रबर फिनिश के साथ में है। और इधर की बात की तो ये रहा इसका एग्जॉस्ट, जिसके ऊपर आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन ये एक्चुअली मेटल वर्क है, ये फाइबर वर्क है, जो कि कुछ ऐसे दिखने वाला है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लेन राइडर फुटरेस, जो कि एल्युमिनियम फिनिश के साथ में आता है। और इसके सीट काउल की बात करें तो आपको थोड़ा सा स्टिकर वर्क देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा आई कैची है। और ये रहा आपका ग्रैब रेल, ये सब आपको ग्लोसी फिनिश में मिलने वाला है। और यहाँ की बात करें तो आपको सिंपल सा ब्लैक कलर मिल जाएगा, जो कि कुछ ऐसे दिखने वाला है। ये रहा इसका टैंक, इस पर काफ़ी ज़्यादा कर्व से शेप है, बहुत ही स्पोर्टी टच के साथ में आता है, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर आपको सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी 3D में, बाकी आप देख सकते हो ऐसे कुछ दिखने वाला है। ये सब आपको फाइबर वर्क के साथ में मिलने वाला है। और ऐसा कुछ यहाँ पे आपको गैप मिल जाता है, ये ब्लैक कलर का है। ये रहा इस बाइक का फुल व्यू, ये बाइक राइट साइड से कुछ ऐसे दिखने वाली है, अभी आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। और अभी हम बाइक के चलते हैं रियर साइड में। रियर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, यहाँ पे आपको टेल लैंप मिल जाएगा, जो कि LED है। और ये रहा रियर का मडगार्ड, ऐसे कुछ दिखने वाला, काफी वाइडर्स आपको मिल जाएगा, जो कि थोड़ा स्पोर्टी फील दे रहा है। रियर के इंडिकेटर, नंबर प्लेट रिफ्लेक्टर एंड नंबर प्लेट वाली लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इसमें आपको मिल जाता है टायर हगर, जो कि स्पोर्ट बाइक के लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं, साथ में पिलियन राइडर को बचाते भी हैं मिट्टी या पानी के छींटों से। और अभी हम चलते हैं इस बाइक के लेफ्ट साइड में। ये लेफ्ट साइड से कुछ ऐसे दिखने वाली बाइक, यहाँ पर आपको ग्रैब रेल मिल जाएंगे एंड सेम स्टिकर वर्क, सीट खोलने का ऑप्शन है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देख ही रहे हो। और इसमें आपको मिल जाएगा सारी गार्ड, जो कि कुछ ऐसे रहने वाला है। और चैन रैप आपकी कुछ ऐसे दिखने वाली है। ये रहा आपका पिलियन राइडर फुटरेस, और ये राइडर फुटरेस, ये रहा गियर पैड। गियर बॉक्स की बात तो आपको इसमें 6-speed गियर बॉक्स मिलने वाला है, एक आपका नीचे लगेगा, बाकी के 5 ऊपर की तरफ लगने वाले हैं। और इसमें आपको सिंगल स्टैंड मिल जाएगा, डुअल स्टैंड का कोई ऑप्शन नहीं है, आप आफ्टर मार्केट शायद लगवा सकते हो तो लगवा लेना। और इंजन कुछ ऐसे दिखने वाला है, यहाँ पे आपको 250 की ब्रांडिंग एंड सुजुकी की ब्रांडिंग काफ़ी यूनिक स्टाइल में दी गई है। और यहाँ पे आपको जिक्सर एसएफ की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और ये इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली, आपको दोनों तरफ सेम ही डिजाइन एंड ग्राफिक्स देखने को मिलने वाले हैं इस बाइक में। और ये रहा इंजन काउल, ये रहा इस बाइक का फुल व्यू। लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसी दिखने वाली है, अभी आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा ये बाइक दिखती कैसी है। और अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक की सीट के बारे में। इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलने वाली है, जो कि बहुत कंफर्टेबल रहने वाली है राइडर एंड पिलियन राइडर के लिए। इस बाइक में आपको राइडिंग पोस्चर भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और साथ में पिलियन कम्फर्ट भी आपको अच्छा मिल जाएगा। और आपको कुछ ऐसे ग्रैब रेल मिलने वाले हैं, जो कि स्प्लिट में है, और ये वाला एरिया आपको सिंपल सा ब्लैक छोड़ा गया है। इस बाइक को अगर आप सिटी में चलाते हो तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, ये बाइक एक्चुअली बनी है सिटी के लिए। लेकिन अगर आप हाईवे पे लेके जाते हो, ज़्यादा लॉन्ग राइड करोगे, तब शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं थोड़ा बहुत जैसे आप 100-150 किलोमीटर तक राइड करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आपको बैक पेन नहीं होगा। अगर आप 200 से ज़्यादा जाने के लिए ट्राई करोगे, शायद आपको बैक पेन आ जाए। ये रहा इस बाइक का टैंक, जो कि आपको कुछ ऐसे मिलने वाला, बहुत ही आई कैची कलर एंड ग्राफिक के साथ में आता, साथ में काफ़ी सारे कप से शेप इसको बहुत ही स्पोर्टी एंड प्रीमियम फील दिलाते हैं। और इसके फुल टैंक की बात करें तो आपको मिल जाएगा 12 लीटर का। और इसकी माइलेज की बात करें तो मेरे हिसाब से आपको 35-40 के आसपास आराम से मिल जाएगी, बाकी डिपेंड करेगा आप चलाते कैसे हो। और ये जो देख रहे हो आपको ये फाइबर वर्क के साथ में मिलने वाला है। और ये रहा इसका फ्यूल कैप। और अभी हम बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल की। सो ये मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, यहाँ पर आपको RPM मिल जाएगा, गियर पोजिशन इंडिकेटर, ये फ्यूल का आपको बताएगा, ये आपका टाइम बताएगा, ये टाइम यहाँ पर बताएगा कितना किलोमीटर बाइक चले, यहाँ पर आपको बताएगा ये स्पीड का। तो इसमें आपको इतने सारे फीचर्स मिलने वाले,
हैं, ये ABS का बताएगा, ये आपका इंडिकेटर, ये न्यूट्रल, ये अपर डिपर का, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। काफ़ी प्यारा सा मीटर कंसोल आपको इसमें मिलने वाला है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके हैंडल बार की। ये आपका थ्रोटल हो गया, ब्रेक लीवर, किल स्विच एंड सेल्फ का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसमें आपको स्प्लिट रेसिंग हैंडल बार मिल जाते हैं, जो कि इस बाइक के लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। साथ में आपको अच्छा खासा कम्फर्ट भी मिलता है इस रेसिंग हैंडल बार की वजह से। और यहाँ की बात करें तो आपको अपर डिपर की स्विच, ये पासिंग की हो गई, ये आपका इंडिकेटर हो गया, ये आपका हॉर्न हो गया, काफ़ी लाउड हॉर्न है, और ये आपका क्लच लीवर मिल जाता है। और मिरर की बात करें तो ये मिरर कुछ ऐसे मिलने वाले हैं इधर से, और उधर से भी मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसे दिखेंगे। और अभी हम इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं। इसकी लेंथ आपको मिल जाएगी 2010 mm, और आपको विड्थ मिल जाएगी 740 mm, और आपको हाइट मिलने वाली 1035 mm, और आपको सैडल हाइट मिल जाएगी 800 mm, और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाला 165 mm, और इस बाइक का व्हील बेस आपको मिल जाएगा 1345 mm, और इसकी वेट की बात करें तो आपको मिलने वाला है 161 kg। कलर ऑप्शन की बात करें तो मेरे हिसाब से इसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिलने वाले हैं। पहला आपको ये मिल जाएगा मोटो जीपी एडिशन, और दूसरा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरा ये है मैट ब्लैक। आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन देखने को मिलता है। BS4 में तीन कलर ऑप्शन थे, लेकिन BS6 में जो है दो ही कलर ऑप्शन है। एक आपको मैट ब्लैक मिल जाएगा, और दूसरा आपको वो मोटो जीपी एडिशन, ये ब्लू कलर का, बस और कोई भी कलर ऑप्शन नहीं है। और दोनों की प्राइस की बात करें तो मैं आपको प्राइस फिर से बता देता हूँ। मोटो जीपी एडिशन की एक्स शोरूम प्राइस आपको पड़ने वाली है 1,87,770 रुपये, और आपको ये ऑन रोड पड़ने वाली है 2,24,000। उस पर भी आपको काफ़ी सारी एसेसरीज मिलेंगी, हेलमेट, पार्किंग कवर, सीट कवर, काफ़ी सारी जो भी जेनुइन एसेसरीज रहती है सुजुकी की, वो सब कुछ आपको मिलने वाली हैं। और इस पर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलने वाला, अगर आप इसे अभी बुक करते हो या फिर परचेज करते हो तो आपको 8,000 से लेकर 9,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप शोरूम पर विजिट करोगे तब आपको क्लियर पता चलेगा इसका प्राइस डिस्काउंट के बाद क्या रहने वाला। जो मैंने प्राइस बताई है 2,24,000, उसमें आपको 8,000 से लेकर 9,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप कॉल करना या शोरूम पे विजिट करना, तभी आपको क्लियर पता चलेगा। और मैट ब्लैक की प्राइस की बात करें, जो मैंने ऑन रोड प्राइस बताई है उसमें आप 1000 कम कर दो, उसकी प्राइस उतनी रहने वाली है, और उस पर भी डिस्काउंट चला है सेम 8,000 से लेकर 9,000 के आसपास। सो आप शोरूम पे विजिट करोगे तभी आपको क्लियर पता चलेगा। और अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि 250cc इंजन के साथ में आती है, साथ में डुअल चैनल ABS हो एंड LED हेडलाइट हो, और आपको फुल फेयरिंग बाइक चाहिए, और IKG कलर एंड ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के साथ जब आप लेके गुजरो तो एक बार लोग मुड़ के ज़रूर देखें, तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है। आप इसकी तरफ आसानी से जा सकते हो। ये बाइक काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, और ये एक इकलौती बाइक है जो आपको 250cc में फुल फेयरिंग बाइक देखने को मिलेगी, वो भी कम प्राइस में। ज़्यादातर तो आपके पास ऑप्शन नहीं है 250cc की फुल फेयरिंग बाइक के लिए, लेकिन आपको ये ऑप्शन मिलता भी है तो वो भी कम प्राइस में। सो आप लोग बताओ ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी, किसको किसको पसंद आई, और किसके किसके पास ये बाइक है, कौन कौन लेना चाहता है, और जिन्होंने ये बाइक चला चुके हैं, और जो भी रिस्पॉन्स हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, उससे मुझे एक आइडिया मिलेगा ये बाइक कैसी है, ताकि मैं लोगों को बता सकूं। सो दोस्तों यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।